राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। ये पुरस्कार 9 श्रेणियों में 38वें जेताओं को दिए गए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देश के 78% से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन दिए हैं। ये सर्वविदित होने के बाद भी कि पृथ्वी पर मीठी पानी के संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, हम जल संरक्षण और प्रबंधन की उपेक्षा कर देते हैं। मानव निर्मित कारण से ये संसाधन प्रदूषित हो रही है और समाप्त भी हो रही है। भूमिगत जल ना केवल प्रदूषित हुआ है, उसका पुनर्निर्भरण भी नहीं हो पा रहा है। ये अत्यंत चिंताजनक है। देवियों और स्वजनों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ उसका बुनियादी मानवाधिकार भी है। स्वच्छ जल की उपलब्धता सुरक्षित किया बिना ये स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि जल जीवन मिशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। सतत भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना लागू की जा रही है। जल शक्ति अभियान क्रियान्वित किया जा रही है, जिसके अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पार ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से सिंचाई में जल उपयोग दक्षता को बढ़ा जा सकता है। अमृत 2.0 योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में नल से जल की आपूर्ति करने पर कार्य किया जा रहा है। 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ग्रामीण परिवार के पास टैप वाटर की सुविधा थी। आज 78% से अधिक परिवारों के पास नल से जल पहुंचा दिया गया है। सोलहवें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर हैं, जो रूस के कजान शहर में आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक समेत कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्रिक्स समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के शहर कजान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक विकास एजेंडे के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए अहम मंच के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग को महत्व देता है, जो वैश्विक विकास एजेंडे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग को महत्व देता है, जो वैश्विक विकासात्मक एजेंडा, बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों को आपस में जोड़ने से जुड़े मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ब्रिक्स के विस्तार से वैश्विक बेहतरी के लिए इसकी समावेशिता और एजेंडा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वो शिखर सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा को लेकर आशान्वित हैं। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कजान की उनकी यात्रा भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने जुलाई में मॉस्को की यात्रा की थी और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे वहां विभिन्न नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं। शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसमें ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से ही इसने इसकी सभी गतिविधियों, पहलों और सहभागिताओं में भाग लिया है।
भारत ब्रिक्स के लिए बहुत मूल्यवान है। इसके योगदान ने आर्थिक विकास, सतत विकास और वैश्विक शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के प्रयासों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। ब्रिक्स वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा। साथ ही ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा। यह पहला शिखर सम्मेलन है जो पिछले साल जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद हो रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों नेता भारत रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रूस की धरती से रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख को साफ किया। रूस यूक्रेन संघर्ष पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मानता है कि संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण होना चाहिए। एक्सलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। प्रधानमंत्री ने रूस की गर्मजोशी की सराहना करते हुए कहा कि कजान शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत का नया कॉन्सुलेट खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 3 महीनों में 2 बार रूस की यात्रा दोनों देशों के बीच करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी रूस यात्रा है। इस साल जुलाई में मॉस्को में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। हाल के वर्षों में भारत और रूस के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं।